हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक पनीर। जैसे कि आप देख रहे हो, ये गर्मा गर्म टेस्टी पालक पनीर हम घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर चेक कीजिए। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, और उसमें अभी मैं डाल दूँगी पालक। पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, और उसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए, ये देखिए। और इसमें मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नमक डाल दीजिए आप इस तरह से। और इसे हमें अच्छे से बॉईल होने देना है। पालक अच्छे से बॉईल हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो। बस अब हम इसे गैस में बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और हमें इसे ठंडा करके इसे पीस लेना है मिक्सी में से। इसका पेस्ट बना लेना है हमें, तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। आप चाहे तो जो फ्रिज का ठंडा पानी होता है उसी में इसे अभी तुरंत डाल दोगे तो भी ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, या फिर फैन के नीचे थोड़ा देर रखोगे तो भी ये ठंडा हो जाएगा। तो बस मैं अभी इसे थोड़ा ठंडा करके इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अभी कढ़ाई में मैंने लिया हुआ है दालचीनी, ये देखिए दालचीनी ले लिया है, थोड़ा सा धना, और थोड़ा सा जीरा हम डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा ही, हल्का सा ही इसे भून लेना है। अभी ये अच्छे से भून गया है, अभी मैं इसे पीस लूँगी मिक्सी में से। इसका पाउडर बना लेंगे हम। इससे जो हम सब्ज़ी बनाएंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो बस मैं इसे पीस लेती हूँ। तो अभी हम डाल देंगे ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हो, यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने, और गैस को ऑन कर देती हूँ, और इसे अच्छे से ऑयल को हमें गरम कर लेना है। हमारा ऑयल अच्छे से गरम हुआ है तो इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन, ये 6-7 कलियां लहसुन की मैंने बारीक कट कर ली थी। अब डाल दूंगी एक छोटा टुकड़ा अदरक का, मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए वो भी डाल देंगे। अब हम डाल देंगे प्याज, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्याज को हमें पकने देना है। रेड चिली, आप चाहे तो ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं रेड चिली का यूज कर रही हूँ, ये देखिए। और 1 बड़ा तेज पत्ता, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो बस इसे अच्छे से हमें भून लेना है इस तरीके से। तो प्याज भी हमारा अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने जो पीसा हुआ था पाउडर वो भी डाल देंगे। और बस अभी हम इसमें डाल देंगे पालक, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
टमाटर भी पसंद होता है तो वो भी इसमें पेस्ट करके डाल सकते हैं। पालक डालने से पहले आप प्याज के साथ टमाटर की प्यूरी यूज़ कर लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने साबुत लाल मिर्च भी डाली हुई है। आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी, बस इतना ही डालना है हमें इसमें। और जो तीखा है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि पालक में सॉल्टीनेस ऑलरेडी होता है, तो नमक थोड़ा कम डालिएगा। और अब मैं डाल दूँगी पानी। बस अभी थोड़ा हमें इसे पका लेना है इस तरीके से। तो अभी हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस पनीर के कर सकते हो। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पनीर को पहले फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादातर है ना बगैर फ्राई किया हुआ पनीर ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये जो तेज पत्ता है वो मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। तो बस अभी हमें इसे एक 4 से 5 मिनट तक की पका लेना है और हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। दोस्तों 3 से 4 मिनट तक के लिए मैंने इसे ढक के इसी तरह पकने दिया, एकदम लो फ्लेम पे रखा था मैंने। अब हम निकाल के देखते हैं और ये हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन चुकी है। और आप देख सकते हो उसके ऊपर एक ऑयल की अच्छी सी लेयर भी आ चुकी है। और ये देखिए, देखते ही पता चल रहा है कि बहुत यम्मी बनी है। तो चलो मैं इसे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो हमारा पालक पनीर अभी रेडी है और मैंने उसे एक कटोरी में निकाल लिया है। और देखिए ये कितना ज़्यादा यम्मी बना है, मतलब आप बाहर जो खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी आप घर पे बना सकते हो दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो दोस्तों ये हमारी एकदम इंस्टेंट झटपट मैंने ये पालक पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। जैसे कि आप देख रहे हो ये है हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी और कितनी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रही है ये तो आपको दिख ही रहा है। और इसे मैंने सर्व किया है रोटी एंड ककड़ी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे इसी तरह के नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।